ये एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर रहा है। अभी बीच का इसमें हिस्सा बचा हुआ है, वो भी जोड़ दिया जाएगा। और ये जा रहा है, इसका मुंह है दोस्तों मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन की साइड में। तो आगे देखते हैं चल के कि यहाँ पर ये कितने पिलर हैं जोड़ने के लिए। क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों कि मोदी नगर में ना कि बहुत लेट काम स्टार्ट हुआ था, तो इसी वजह से यहाँ पर लेट काम देखने के लिए मिलेगा आप सभी को मोदी नगर के अंदर, कि बहुत लेट काम स्टार्ट हुआ था दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर का। और आपको बता दूं दोस्तों कि ये मोदी नगर में 2-3 महीने के भीतर भीतर इस पर सारे में ही पूरा बायोडक्ट जोड़ दिया जाएगा दोस्तों। कई जगह इस पर लॉन्चर लगे हुए हैं मोदी नगर में, क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों कि मोदी नगर साउथ का स्टेशन तक तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब मोदी नगर साउथ और मोदी नगर नॉर्थ और मेरठ साउथ के स्टेशन का बीच का ये जितना भी बायोडक्ट है वो 2-3 महीने के भीतर भीतर बिल्कुल ही कनेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं ये पियर कैप सारे में बना लिए जा चुके हैं, इनकी सेटरिंग को अब उठाया जा रहा है दोस्तों, इनका हटाया जा रहा है जो सेटरिंग लगी हुई थी, इसमें कंक्रीट भी भर दिया है दोस्तों। सारे काम बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। और आपको बता दूं कि जो इसमें इसके पियर कैप का फिनिशिंग का काम होता है वो भी कर लिया जा चुका है। आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा मोदी नगर नॉर्थ का RRTS का स्टेशन के उस पर कितना कुछ वर्क चल रहा है इस टाइम पे, तो आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो देख सकते हो सारे में बायोडक्ट क्लियर करते हुए जा रहे हैं, पियर कैप तो सारे में बन के कम्प्लीट ही हो चुके हैं। देख सकते हो जहाँ जहाँ ये पियर कैप बनाए गए हैं उनकी सेटरिंग अब हटाई जा रही है दोस्तों। प्लेटफॉर्म लेवल का जो काम है उस पर वाटर लॉन्चिंग की जा रही है, और इधर ये पिलर बचा हुआ है लास्ट वाला पियर कैप के लिए। देख सकते हैं इसमें दोनों साइडों में गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, और गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में इसमें फ्लोरिंग का काम कर लिया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म लेवल का काम है दोस्तों, और ये कॉन्कोर्स लेवल का जो आपको बता दें ये दीवारें बनाई जा रही हैं, और दीवारें दोनों साइडों में बनाने के बाद में दोस्तों इस पर स्टेयर बनाई जानी है, इस पर एक्सीलेटर लगाए जाने हैं, और इस पर लिफ्ट भी लगाई जानी है दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है, अभी देख सकते हो ये कॉन्कोर्स लेवल पर अभी आधे में फ्लोरिंग होगी आधे में नहीं हुई है, ये देख सकते हो तस्वीरें, कुछ ये नज़ारे हैं यहाँ के। और ये है मोदी नगर नॉर्थ का स्टेशन RRTS, डबल पिलर देखने के लिए मिलेंगे आपको, और इस पर जो स्टील के गाटर हैं वो रखे गए हैं नाले के ऊपर दोस्तों, और इस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। देख सकते हो यहाँ पर ये फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, टीम लगी हुई है, देखो किस तरीके से ये, और ये नाला है और थोड़ा सा ये कर्व लेता है, इस पर देख सकते हो ये बीम रख देने के बाद में फिर इसको एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जा रहा है, टीम लगी हुई है यहाँ पर भी, ये देख सकते हो। और यहाँ तक ये बायोडक्ट बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो चुका दोस्तों। आपको बता दूं देखो यहाँ पर ये लॉन्चर लगाया गया था इस जगह से, और ये मोदी नगर का जो नाला है उसको क्रॉस कर देने के बाद में इतना बायोडक्ट इस लॉन्चर ने कनेक्ट कर दिया है, इतने पिलर इस लॉन्चर ने जोड़ दिया और आगे जोड़ता हुआ जा रहा है। ये लॉन्चर आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये लॉन्चर किस तरीके से वर्क करता है वो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आज। देखो ये लॉन्चर लगा हुआ है, और इस पियर कैप पे इसकी दो आगे की टांगें रखी हुई हैं, इसको रख देने के बाद में फिर देख सकते हो ये वाले जो सेगमेंट हैं ये इस लॉन्चर द्वारा उठाए जाएंगे, और उठाए जाने के बाद में फिर इसको एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में जितने भी ये सेगमेंट आते हैं वो एक साथ उठाए जाएंगे, फिर इसको चिपकाए इसलिए जाएगा। ये आपको छेद चमक रहे हैं दोनों साइडों में, इन्हीं छेदों में सेफ्टी केबल डाले जाते हैं, और डालने के बाद में फिर इनको मजबूत किया जाता है। तो देख सकते हो जितने भी ये पिलर बन चुके हैं, इनके पियर कैप भी बन चुके हैं, इन पर ही आगे की जो टांग होती है लॉन्चर की वो रखी रहती हैं, और एक पिछले वाले पियर कैप पर रखी रहती हैं, तब इसको जोड़ा जाता है। ये थोड़ा सा कर्व ले लेगा तो इसी वजह से ये
तिकोना आपको पियर कैप देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और ये देखने के लिए इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ये कर्व ले लेता है और कर्व लेने के बाद में फिर अपनी पोजीशन पर आ जाएगा यानी कि बीच में। तो देख सकते हो अभी यहाँ पर ये सेटिंग लगाई जा रही है, सेटिंग लगा के फिर इसमें कॉन्क्रीट की मदद से इस पियर को बना लिया जाएगा। और देख सकते हो जो लॉन्चर आगे वाला वो यहाँ से लॉन्चर लगाया गया था इस जगह से, और इस लॉन्चर ने आगे देखो कितने पिलर कनेक्ट कर दिए हैं वो आप लोग देखो। देखो ये बायोडेक्ट है, एक टांग तो पीछे वाले पर रहती है एक आगे वाले पर रहती है, देख सकते हो। तो यहाँ तक ये लॉन्चर आ चुका है जोड़ता हुआ इस बायोडेक्ट को, और किस तरीके से जोड़ता है वो आप लोग देख सकते हो अपनी आंखों से दोस्तों। अब आ जाता है देख सकते हो ये मोदी नगर का नाला, और नाले के ऊपर इसमें डबल पिलर बनाए गए हैं इधर भी उधर भी, ताकि ट्रैफिक को दोनों साइड में आने जाने की दिक्कत ना हो, इसी वजह से ये काफ़ी लंबा चौड़ा बनाया गया है देख सकते हो। और आपको बता दूं जो बीच का ये बीम है इसको ये यार्ड में बना लिया जाता है आधा, और आधा फिर इस पर रखने देने के बाद में फिर आधा यहाँ पर बनाया जाता है यानी कि जोड़ने के लिए। तो देख सकते हो यहाँ पर भी तो थोड़ा सा कर्व ले लेता है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये तिकोने टाइप के ये पियर कैप बनाए गए हैं दोस्तों। अब चलते हैं आगे, कुछ पिलर ये बचे हुए हैं जो कि बहुत जल्दी ये लॉन्चर कनेक्ट कर देगा। देख सकते हो ये लॉन्चर लगा हुआ है जो कि ये बढ़ रहा है मेरठ मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन की साइड में दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। और कुछ देखो एक बायोडक्ट ये रखा हुआ है, और ये आ जाता है फुटओवर ब्रिज इधर से उधर जाने के लिए। और ये मेरे राइट हैंड पे एक मंडी है दोस्तों, और मंडी इसी वजह से यहाँ पर ये दिया गया है। और देखो ये बायोडक्ट पहले ही क्लियर कर लिया जा चुका था, जो कि ये बायोडक्ट ले जा रहा है मेरठ साउथ के स्टेशन की साइड में दोस्तों, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।